क्या यूएमपी से ओनली रेड नंबर मारा जा सकता है वो भी मोबाइल में? आखिर ब्राजील प्लेयर ऐसा कौन सा सेटिंग यूज करते हैं जिससे उन लोगों का यूएमपी से बिल्कुल रिकॉइल नहीं करता? एक बोनस टिप मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा सीक्रेट सेटिंग बताऊंगा यानी कि ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी यूएमपी से रेड नंबर मारने में। तो वीडियो का एंड तक देखते रहे। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके एंड आपको बेस्ट ट्रिक बताते हैं यूएमपी से रेड नंबर मारने के लिए। मैं आपको मोबाइल के लिए बेस्ट दो सेटिंग बताऊंगा जो जिसमें पहला सेटिंग है टॉक बैक सेटिंग जो कि आपको फोन के अंदर मिल जाता है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। सेटिंग मार के जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा टॉक बैक सेटिंग। इसका काम क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। टॉक बैक सेटिंग मारने के बाद यहाँ पर आपको न्यू फीचर्स इन टॉक बैक मिल जाता है जिससे आपको स्पीच रेट एंड जो पिच है इसको फुल कर देना है। ये हर किसी के फोन में होता है। एंड नीचे आके फिर इसी ऑप्शन मार के यहाँ पर आपको मिलेगा चूज अ प्रीसेट। अगर ये कस्टम पे है तो इसको हाई कर देना। हाई करने से आपका फायर बटन काफ़ी ज़्यादा हाई ड्रैग होगा। एंड नीचे आप जैसे एक्सेस करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टच एंड होल्ड डिले। इसको 2 सेकंड जितना कम हो सके उतना कर देना, तो यहाँ पर 0.0 सेकंड कर देना। ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। एंड टॉक बैक सेटिंग के बाद जो सेटिंग है वो है द वन एंड ओनली स्विच एक्सेस सेटिंग। ये भी आपको आपके फ़ोन के अंदर मिल जाता है। तो इसके लिए भी आपको आना है सेटिंग में एंड देन सर्च करना है स्विच एक्सेस। स्विच एक्सेस सर्च करने के बाद आपको सेटिंग्स में आना है एंड यहाँ पर आपको सेटिंग्स में एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो स्कैन का, तो इसको आपको ऑन कर देना है अगर ये ऑफ है तो। ऑटो स्कैन ऑन करने के बाद डिले ऑन फर्स्ट आइटम आ जाएगा, तो इसको जो है आपको कर देना है 8। एंड 8 करने के बाद जो यहाँ पर डिले ऑन फर्स्ट आइटम होता है इसको कर देना है 0.05 सेकंड। एंड नंबर ऑफ स्कैन को भी आपको 8 कर देना है या फिर 20 कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। एंड नीचे पॉइंट स्कैन मार के इसको भी ऑन कर लेना। एंड लाइन स्पीड को यहाँ पर आपको 10 रहने देना है एंड इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना, अगर आप बढ़ाते हो 20 कर लेना। एंड डिले ऑन फर्स्ट आइटम वो पहले से सब कुछ सेट है। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक टिप्स बताऊंगा, बता देंगे लेकिन इन सेटिंग का काम बता देते हैं। इस सेटिंग का काम यह है जो आपकी यूएमपी गन है उसकी सेंसिटिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं। अब सेंसिटिविटी इंक्रीज होने के बाद आप रेड नंबर इजीली पेल पाओगे एनिमी को। लिटरली बता रहा हूँ, रेड नंबर तो आप यूं मान लोगे चुटकियों में, बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। बस आपको एंड तक देखते रहना वीडियो को। आप टिप्स की बात कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है एंड ट्रेनिंग ग्राउंड में आप जैसे ही आओगे यहाँ पर आपको डमी मिल जाता है। डमी में सबसे पहले अपने एम को सेट करना है, आपको स्कोप लगाना है एंड फिर स्कोप को हटा देना है। आपका एम कहीं पर भी हो स्कोप हटाओ एंड स्कोप को लगाओ जिससे आपका एम एनिमी के चेस्ट पर आ जाएगा और आप जैसे ही ट्रैक करोगे आपका रेड नंबर ईजिली लग जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट सेटिंग है। आप अपने एम को ऊपर भी क्यों ना ले जाओ, आपका एम एनिमी के चेस्ट पर आ जाएगा। यू नो अगर चेस्ट पे एम आ गया एंड जैसे आप ड्रैग करोगे कोई भी एसएमजी गन से तो लिटरली हेडशॉट इजीली मार लोगे। आई होप आप समझ गए होगे।